प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्कस किया था। सॉलिड वेस्ट में हमने उसको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हैजार्डस, नॉन हैजार्डस, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस आए हुए सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम मैनेज कैसे करें। मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग टाइप का वेस्ट रहता है, अलग अलग वैरायटी रहती है, उसके मैनेज करने के तरीके अलग अलग रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को या सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के कई तरीके हैं, वो तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो इनिशियली हम नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि हैजार्डस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट की टेक्निक बिल्कुल अलग है जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है लैंडफिल। आई थिंक इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन और वर्ल्ड वाइड लो कॉस्ट इजली अवेलेबल टेक्निक है लैंडफिल। मतलब जो लो लेइंग एरिया है उसको कचरे से भरते जाओ, वो कहला जाता है लैंडफिलिंग। लैंडफिलिंग जनरली जो है वो सिटी में ऐसा वैकेंट पोजीशन या ऐसी जगह, ऐसे लो लेइंग एरिया जहां पर कि नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट को ले जाकर के डंप कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है लैंडफिल। हालांकि लैंडफिल का भी साइंटिफिक तरीका है कि कुछ मीटर तक से लैंडफिल सॉलिड वेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद गुड सॉइल की डाली जाएगी, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, एक डेढ़ महीना के लिए नेचुरली सेटल होने के लिए, फिर दूसरे जगह डाला जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर डाला जाएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, फिर एक दो मीटर की हाइट होते के होने के बाद फिर उसमें गुड सॉइल डाली जाएगी, ताकि जो डला हुआ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो अच्छे से कॉम्पैक्टली सेट हो जाए। इसका बेनिफिट ये है कि सबसे सरल तरीका है सैनिटरी लैंडफिलिंग करने का भी, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि बहुत ही लार्ज एरिया लगता है और लैंडफिल के पास में बहुत सारी स्मेल न्यूसेंस, फ्लिया न्यूसेंस, मच्छरों का न्यूसेंस, इस टाइप का न्यूसेंस भी आता है। सेकेंड टेक्निक कहलाती है इनसिनरेशन। सेकेंड टेक्निक है इनसिनरेशन। इनसिनरेशन का मतलब ऐसा है जलाना। इसको क्या किया जाता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उनको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कंडीशन में उसको जलाया जाता है, जिसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाई टेम्परेचर पर जब जलाते हैं तो जलने के बाद में इनसे मेनली ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और इंसिनरेशन करने से जो टोटल सॉलिड का साइज था वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए इंसिनरेशन करने के लिए हमारे गांव में तो वैसे ही कर देते हैं, ढेर लगा रहता है कूड़े का, माचिस डाल करके खत्म कर दिया उसको, तो वो टेक्निक कहलाती है इंसिनरेशन। इस इंसिनरेशन करने से वॉल्यूम तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जितना भी गैस है, जो भी स्मोक डस्ट गैस है, वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो ये एयर पोल्यूशन जनरेट करता है इंसिनरेशन टेक्निक। इंसिनरेशन के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग में सिर्फ उन्हीं सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम कंपोस्ट कर सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ने वाले मटेरियल है उनकी ही हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोस्टिंग में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है सेग्रीगेट कर लेते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल उनको हम ले जा करके आउटस्क्रिट में कुछ ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं 1 फीट 2 फीट हाइट के, उन ट्रेंचेस में डाल देते हैं, डालने के बाद उसके ऊपर गुड सॉइल की डाल करके फ्लिया मताए करके उस पर थोड़ा सा लाइम पाउडर भी डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल रहे, और इस तरह से गाँव में कंपोस्टिंग की जाती है। 3 से 4 महीने के बाद जब उसके अंदर का पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल बायोडिग्रेड हो जाता है तो उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बाद आजकल और एक स्टेज एडवांस आ गया है, वो है वर्मी कंपोस्टिंग।
वर्मिंग कंपोस्टिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इस वर्मी कंपोस्टिंग में छोटे छोटे वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं, अर्थ वॉर्म्स। अर्थ वॉर्म्स डालने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, और इस तरह से ये एक बायो कन्वर्जन प्रोसेस है। अर्थ कॉम के द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज होकर के खाद में बदल जाता है, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज होता है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल को मैनेज कैसे करें, तो आइए इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल हुआ, हम यहां इसको स्टार्ट कर देते हैं। घर के बाहर से कचरा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद ये जो वेस्ट है वो ट्रक से या गाड़ियों से ले जाया गया, सुटेबल प्लेस पे ले जाया गया। इस प्लेस पे ले जाने के बाद इसका सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब इसको छांटा जाता है कि कौन सा वेस्ट किस टाइप का है। तो सेग्रीगेशन करने से अगर हमको पता चला कि ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग रख लिया। अगर सेग्रीगेट करने से पता चला इनऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसको हमने दूसरे डायरेक्शन में रख लिया। अब फर्स्ट हमको मिला ऑर्गेनिक वेस्ट, तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को अब हम ये देखेंगे कि इसमें एनर्जी का कंटेंट कितना है। एनर्जी कंटेंट कितनी है, अगर इस सॉलिड वेस्ट में एनर्जी का कंटेंट ज्यादा है, मतलब बहुत लोग इसको यस नो के हिसाब से भी करते हैं, तो अगर ऑर्गेनिक है यस तो हम आगे बढ़ गए, एनर्जी कंटेंट देखे। अगर एनर्जी कंटेंट हाई हुआ तो हम इसको आगे ले गए, बायोफ्यूल बना दिए। बायोफ्यूल मतलब बायो केक बना देते हैं, आजकल बहुत सारे फ्यूल केक बनते हैं, फ्यूल केक बना दिए। अगर इसकी एनर्जी कम है, लो है, एनर्जी कम है, इस पे एनर्जी का कंटेंट हाई नहीं है, तो हम इसको फर्टिलाइजर में कर दिए। फर्टिलाइजर में कर दिए, और हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर के दो स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, एक है कंपोस्टिंग और दूसरी है वर्मी कंपोस्टिंग। जो अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार से हमने इसको आगे प्रोसीड कर दिया वर्मी कंपोस्टिंग, तो हमने इसको फर्टिलाइजर बना दिया। इस तरह से जो आया था स्टार्ट का सॉलिड वेस्ट वो दो जगहों पे एंड हो गया। एक तो क्या था, यहां पर इसका एंड हो गया कि हमने उसको बायोफ्यूल बना दिया, बायोफ्यूल बना दिया तो कंबशन हो गया, वो एंड हो गया। दूसरा द एंड हुआ इसका यहाँ पे कि हमने इसको फर्टिलाइजर बना दिया तो थोड़े दिन बाद प्लांट में चला जाएगा और एंड हो गया। मतलब एक स्टार्ट लिया यहां पर एक एंड हो गया, दूसरा स्टार्ट लिया यहां पर एंड हो गया। सॉलिड वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, हमको दो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। मीन्स अगर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है तो हमको दो तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, मीन्स यस में तो हमने इसको कर लिया, लेकिन अगर ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है मटेरियल, तब हम क्या करेंगे, इसको रीयूज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रीयूजेबल है तो रीयूज करने की कोशिश करेंगे। रीयूज करने की कोशिश करने का मतलब है जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स हुए, ग्लास मटेरियल्स हुआ, इनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज किया, रीयूज करने लायक है तो यस लिख दिया रीयूज करने के लिए, और दूसरे अप्लायंसेस बना करके इस तरह से इसको रीयूज कर लिया, अदर यूज कर लिया। जैसे आप देखते हैं ना कि पानी के बॉटल्स रहते हैं, जो उन पानी के बॉटल्स में कुछ मटेरियल डाल करके लोग जो स्ट्रीट वाले रहते हैं वो बेचते हैं, जैसे कि उसपे खास करके जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, इन सब चीजों का मटेरियल डाल करके उसको यूज कर लेते हैं या रीयूज कर लेते हैं, या उसे कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कुछ पॉट बना देते हैं, डेकोरेटिव पॉट। तो इस तरह से इसका यूज हो गया। अब
रीयूज करके हम आगे रीयूज नहीं कर सकते अगर इस मटेरियल को, तो हम क्या कर देते हैं, उसको रिसाइकिल कर देते हैं। रिसाइकिल करना मतलब उसको वापस कंपनी में भेज देते हैं, कंपनी में जाने के बाद वहां मेल्ट हो जाता है, आगे प्रोसेसिंग होता है और रिसाइकिल करने के बाद कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, वहां पर न्यू ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप का नया न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। खास करके प्लास्टिक्स का आप देखे होंगे, प्लास्टिक के पॉलीथीन बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं, कुछ के प्लास्टिक ऐसे रहते हैं पॉलीथीन के कि देखने से बहुत सारे फाइबर्स दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ही रफ प्लास्टिक है, वो कैसा है, कई बार रिसाइकिल होकर के आया वाला है। कुछ ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट रहते हैं, फर्स्ट टाइप के ही बने हुए, पहली बार में ही बने हुए रहते हैं ओरिजिनल ग्रेन्यूल से, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत फेयर दिखते हैं। अब न्यू ऑब्जेक्ट भी बना लिया हमने, लेकिन अगर वो रिसाइकिल भी करने लायक नहीं है, इसके लायक भी नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली किसमें डाल देते हैं, लैंडफिल में। लैंडफिल जो लो आउटस्क्रिट एरिया रहता है वहां उसको हम फिल कर देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन तीनों का एंड जो है वो इस तरह से हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको अदर यूज किए वो अंतिम में जाकर के लैंडफिल में जाए, जो नया ऑब्जेक्ट बनाए वो भी लास्ट में जाकर के लैंडफिल में जाए। तो ये यहां से हमने स्टार्ट लिया है और स्टार्ट के कई एंड्स हो सकते हैं, ये कहलाता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लेकिन कौन से लेवल वाला मैनेजमेंट है, ये जो है वो नॉन हैजार्डस मटेरियल का वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए आजकल कंटेनर का भी कलर कोड है। आप जानते ही होंगे कि जो ग्रीन कलर के कंटेनर्स रहते हैं उनमें हम पर्ट्रूसिबल मटेरियल रखते हैं। पर्ट्रूसिबल मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, खास करके जो सड़ने वाली चीजें हैं, गीली चीजें, जैसे कि फ्रूट्स के रॉटन फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स के पील, वेजिटेबल पील्स या गार्डन का वेस्ट, ये हम रखते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब होता है ऑर्गेनिक डस्टबिन। अगर येलो कलर है तो येलो कलर के डस्टबिन में जनरली हम मिक्स्ड रिसाइकलिंग मटेरियल रखते हैं। मिक्स्ड रिसाइकलिंग मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसको कि हम रिसाइकिल कर सके, रीयूज कर सके, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, फर्नीचर के हो गए कुछ आइटम्स, मेटल के पीसेस हो गए, ये ऐसे रखते हैं येलो डस्टबिन में। ब्लैक डस्टबिन जनरली ई वेस्ट मटेरियल के लिए रहता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, बैटरीज हो गई, कंप्यूटर्स के टूटे हुए पार्ट्स हो गए, इस टाइप के मोबाइल फोन वगैरह, इस टाइप का जो ब्लैक कलर का डस्टबिन जो है वो ई वेस्ट मटेरियल रखने के लिए होता है। वैसे एक चीज और बता दूं, हॉस्पिटल में भी जनरली ब्लैक कलर का डस्टबिन यूज होता है, वो हैजार्डस के लिए अलग होता है, बट वहां भी ये आप देखेंगे कि ब्लैक कलर का डस्टबिन यूज होता है। व्हाइट कलर का डस्टबिन जो है वो सॉफ्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। तो ये सब अलग अलग कोड है और हर रिसाइकलिंग बिन में लिखा रहता है कि ये किस टाइप का रिसाइकलिंग मटेरियल कलेक्ट करने का है। बहुत जगहों में ब्लू कलर का भी आता है। तो इस तरह से आजकल कलर कोडिंग के थ्रू भी जो सॉलिड वेस्ट मिक्स मटेरियल है उसका सेग्रीगेशन किया जाता है, क्योंकि अगर हमको फ्लो चार्ट में चलना है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना है, हर वैरायटी का चीज अलग अलग कंटेनर में होना जरूरी है। तो ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, जिससे कि सॉलिड रिड्यूस भी हो जाए, रीयूज भी हो जाए और रिसाइकिल भी हो जाए।